आपका स्वागत है। पोखरण में 872 मतों से जीतकर विधायक बने सालेह मोहम्मद को कांग्रेस ने बड़ा तोहफा दिया है। नव निर्वाचित कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल में सालेह मोहम्मद को शामिल किया गया है। हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने सालेह मोहम्मद से खास बातचीत की। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार किया जा चुका है। राजस्थान की कैबिनेट के अंदर जगह बनाने वाले सालेह मोहम्मद हमारे साथ में मौजूद है। एक बड़ी जीत दर्ज की, बड़ा स्ट्रगल किया, अब मंत्रिमंडल में जगह मिल पाना काफी बड़ी जिम्मेदारी है। देखो, खासतौर से तो हमारे जैसलमेर जिले को आज़ादी के बाद में पहली बार कोई मंत्री बनाया गया है और मैं राहुल गांधी जी का, अशोक गहलोत साहब का, सचिन पायलट साहब का, सभी नेताओं को धन्यवाद दूंगा। और जिस प्रकार से बॉर्डर इलाके में जो हमें जिम्मेवारी दी है, तो हमारा हमेशा ये प्रयास रहा है कि हम उस जिम्मेदारी को बेखूबी से निभाएं। वैसे मैं पिछले 18 साल से राजनीतिक कैरियर में काम कर रहा हूँ। वैसे प्रधान भी रहा, प्रमुख भी रहा, 2008 में विधायक भी रहा, तो ये मेरे दूसरा मौका है MLA से। तो बड़ी हमारे स्तरवासी ये कोशिश करेंगे कि हम जो हमें जिम्मेदारी दी की है उस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाएं। बड़ा दबदबा रहा है आपके वाले साहब का भी, गाजी साहब का, और आपके इलाके की कई चुनौतियां रहीं, किस तरह का स्ट्रगल रहा? अब वहाँ क्या जातीय समीकरण है, लोगों को सभी को साथ में लेकर के चल रहे हैं आप? देखो, हमारा तो हमेशा वहाँ के जैसलमेर के लोगों ने और पूरे डिवीजन के लोगों ने हमेशा मान सम्मान रखते हैं हमारा। और मैं यही तो कर रहा हूँ, मैं हम जो यहाँ तक पहुँचे हैं 18 साल से जो काम कर रहे हैं, वो कोई एक अकेला आदमी काम नहीं करता है। 36 को हम साथ लेके चलते हैं, 37 कौमों के साथ होता है, तब जाके इतना होता है। और हमारा हमेशा ये प्रयास रहा है कि हम लोगों की तकलीफ़ों को जितना समझें कि हर आदमी के हर गांव और ढाणी तक तो पहुँचे हैं और वहाँ के लोगों की वास्तव में तकलीफ़ देखिए कि वहाँ वास्तव में क्या तकलीफ़ है और उसको किस प्रकार से दूर करना चाहिए। तो हमारा ये प्रयास है कि लोग हमें जो जिस प्रकार का विश्वास देते हैं, उस विश्वास पर हमेशा हम खरे उतरने का प्रयास करते हैं। और मुझे विश्वास है कि आगे भी जिस प्रकार का सहयोग रहा है 36 कौम का, तो हमेशा जो मान सम्मान इज्जत रही हमारे परिवार की हमारी, और वही इज्जत मान सम्मान बना रहेगा और हम अच्छा रिजल्ट देंगे लोगों को। तो ये हैं सालेह मोहम्मद, जिन्होंने बताया है कि राजस्थान के अंदर इन्हें पूरा भरोसा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगर ये काबीना वजीर नहीं भी होते तो भी बेहतर काम करते, क्योंकि तमाम कौम को साथ में लेकर के चलने की बात है, खासतौर पर अकलियत को लेकर के ये पूरी तरह से मुतमईन है। उम्मीद की जानी चाहिए इनका जो अगला कार्यकाल है बेहतर रहे और बेहतर नतीजे उसके सामने आए। कैमरा पर्सन भवानी के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज 18 जयपुर। तो चलते हैं।